हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, इस नोटिफिकेशन में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऑन टाइम गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर डे 1 या 2 गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन अपलोड कर ही देता हूँ, तो इससे आपको अच्छी खासी बेनिफिट्स मिलने वाली है, राइट। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है आपका CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में आईवी, राइट। और इसमें हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। और इसमें जो है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप 2 एंड 3 टेक्निकल स्टाफ के लिए वैकेंसीज है। और इसमें जो है हम लोग देख लेंगे फॉर्म फिल करना कब से कब तक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 1 जून से आप 15 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसमें जो है ग्रुप 3 पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें 3 पोस्ट है। सैलरी इसमें 35,400 से 1,12,400 तक की सैलरी होगी। इसमें एज आपका जो है 28 ईयर है, राइट। और जितने भी प्रोफाइल हैं ग्रुप 3 में, राइट, सभी का सैलरी और एज सेम होगा, राइट। ओनली क्वालिफिकेशन आपका जो है डिफरेंट होगा। तो हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोफाइल के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट क्लास BSc साइंस से होना चाहिए, और साथ में 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी MLT या केमिकल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोफाइल हम लोग देख लेंगे। इसमें जो है ये आपका टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसमें सैलरी और एज तो सेम ही है। और इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपका जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन या एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स, या इट्स इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिवेलेंट एरिया एंड फील्ड, राइट। और नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें आपका पोस्ट कोड 3, इसमें 1 वैकेंसीज है। और इसमें जो है सैलरी एज आपका सेम ही होगा। क्वालिफिकेशन इसमें आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन या एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स, और इट्स इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिवेलेंट एरिया एंड फील्ड, राइट। और यहाँ पे पोस्ट कोड 4, इसमें 1 वैकेंसीज हैं। सैलरी एज सेम होगा। और इसमें जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, राइट, या फिर आपका एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स, या आपका इट्स इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिवेलेंट एरिया एंड फील्ड, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ग्रुप 2, राइट, पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है देख लेंगे यहाँ पे जो है आपका टेक्नीशियन के लिए, राइट। तो टेक्नीशियन के लिए इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सैलरी आपका जो है, इसमें टोटल वैकेंसी आपका 1 है। सैलरी इसमें 19,900 से 63,200 तक की सैलरी होगी, और सभी का सैलरी इसमें जो है सेम होगा, और इसमें एज सेम होगा, राइट, जितने भी यहाँ पे आपका होगा पोस्ट, राइट। और यहाँ पे ओनली क्वालिफिकेशन डिफरेंट होगा, तो हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस प्रोफाइल में आपका क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस सब्जेक्ट, और इसमें जो है 55% के साथ होना चाहिए, प्लस में आपका ITI होना चाहिए, राइट। और इसमें जो है नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट या 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, राइट। और यहाँ पे पोस्ट कोड 6, इसमें टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें 1 वैकेंसीज हैं। सैलरी आपका और एज सेम होगा। और यहाँ पे जो है SSC आपका जो है, यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस, और 55% के साथ होना चाहिए, राइट। और इसमें ITI आपका होना चाहिए। और इसमें नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट या 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड, राइट।
और यहाँ पे पोस्ट कोड 7, ये आपका जो है टेक्नीशियन मैकेनिकल लेबोरेटरी के लिए है। तो इसमें जो है देख लेंगे, इसमें टोटल वैकेंसी आपका 9 है, राइट। इसमें सैलरी और एज सेम होगा, और इसमें जो है आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस और 55% के साथ होना चाहिए, राइट। और इसमें ITI आपका होना चाहिए, और इसमें 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग, राइट। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पोस्ट कोड 8, राइट। इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 पोस्ट है, और इसमें सैलरी एज सेम होगा, और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस, और इसमें जो 55% के साथ होना चाहिए, और ITI इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपका है पोस्ट कोड 9 फिटर के लिए, इसमें 1 वैकेंसी है, सैलरी एज सेम ही होगा, और यहाँ पे जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस सब्जेक्ट, और इसमें जो है आपका 55% के साथ होना चाहिए, प्लस में ITI होना चाहिए फिटर से, राइट। और यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट है पोस्ट कोड 10, इसमें जो है टेक्नीशियन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें 1 वैकेंसी है, सैलरी एज सेम होगा, और इसमें जो है आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस सब्जेक्ट 55% के साथ, और प्लस में आपका जो है ITI होना चाहिए, और 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रेड, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे फॉर्म फिल करना कैसे है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे जाके आप 15 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपको अप्लीकेशन चार्ज देने होंगे, तो अप्लीकेशन चार्ज आपका 500 रुपीज़ होगा, राइट। और यहाँ पे जो है हम लोग देख लेंगे इंडियन सिटीजन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए, इस वैकेंसीज के लिए, राइट। और इसमें कुछ छूट है तो हम लोग देख लेते हैं, SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए आपका यहाँ पे 3 ईयर का होगा, और डिजिबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का छूट होगा, और जो स्टूडेंट डिजिबिलिटी एंड SC ST से आते हैं उसके लिए 15 ईयर, और जो डिजिबिलिटी और OBC कैंडिडेट हैं उसके लिए 13 ईयर का छूट होगा, राइट। और इसमें देख लेते हैं यहाँ पे जो है आपको फॉर्म फिल करने में कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो अप्लीकेशन, कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको देने होंगे फॉर्म फिल करने में। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा, राइट। इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, और सिलेबस आप जो है इस वेबसाइट पे जाके सिलेबस आप देख सकते हो, राइट। और आपका जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड, रोल नंबर इशू होगा एग्ज़ाम के लिए, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा, ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे, राइट। और आप जो ईमेल आईडी फॉर्म फिल करने में डालेंगे वो ईमेल आईडी पे आपका जो है सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, राइट। और इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं, राइट। और यदि आपको इस नोटिफिकेशन में कोई भी डाउट होता है, राइट, फॉर्म फिल करने में हो या इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।